हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली रेड बट। सो गाइज, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल कंट्रोल्स ऑफ कार्स, जैसे कि वाइपर की स्विच कहाँ होती है, हेडलैम्प कैसे जलाते हैं या फिर बोनेट कैसे खोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में। सो क्या है कुछ खास, देखते हैं आज। चलो, सो गाइज, जैसा कि हम बताए थे कि आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कंट्रोल करते हैं ऑल कार्स का जो कंट्रोल होता है, जैसे कि वाइपर कैसे यूज करते हैं, एसी कैसे चलाते हैं, लॉक कैसे करते हैं, जो जनरल जो भी है, जो हर कार में वो फीचर मिलता है, बेसिक फीचर, उसको कैसे यूज करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। सो आप लोग तो आ ही गए होंगे और आके देख के वीडियो चले भी जाएंगे, है नहीं? सब्सक्राइब तो करना है नहीं, कम से कम डिसलाइक भी करके जाते हैं। अच्छा है, मतलब ऐसा क्या है, अगर पसंद ना आता है तो कम से कम कुछ तो कमेंट कीजिए कि ताकि मुझे पता चले क्या है नहीं है। खैर, अलग बात है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वही इस वीडियो को देखें। सो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी, यहाँ पे आपको की मिल जाता है जो कि आप यहाँ इंसर्ट करते हैं। और आजकल जो बड़े मॉडल्स हैं उनमें आपको की लगाने के बाद या फिर नहीं भी लगाते हैं, ऐसे है लेकिन लगाना तो है ही। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का आपको स्विच वगैरह मिल जाता है। और साथ ही इसके नीचे आपको यहाँ पे आपको हेडलाइट से जुड़ी हुई कंट्रोल और इंडिकेटर्स का कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो इसको यूज करना मैं बता दूँ कैसे यूज करते हैं। सो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ अब सही है। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये जो आपका है, आपको यहाँ से आपको पार्किंग की जो लाइट है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाई बीम लो बीम भी है और यहाँ से आप रात में पार्किंग के लिए भी लाइट एक बार जला सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे डिम डीपर जो भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसको पास बोलते हैं, पास लाइट आप कर सकते हैं। साथ ही आपको इंडिकेटर है जो कि इसको अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड, जैसे कि उस साइड वाला जो इंडिकेटर है वो जलेगा, और इधर करते हैं तो दाहिने साइड जिधर आप बैठ के ड्राइविंग करते हैं वो वाली इंडिकेटर जल जाती है अगर आप इसे नीचे करते हैं तो। सो ये है बेसिक फीचर। यहाँ पे आपको एसी वेंट का जो ये है मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आजकल जनरली पावर विंडो आ जा रहे हैं नॉर्मल कार्स वगैरह में। यहाँ पे आपको हजार्ड स्विच, यहाँ पे लॉक, यहाँ पे आपको एसी से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे एसी और हीटर। और इन सब चीज़ों के ऊपर ही वीडियो अगर आपको चाहिए प्रॉपर, अगर आप लोग चाहते हैं एसी कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, जिनको भी सीखना हो कुछ नए चीज़ों के बारे में जो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पे आपको इस साइड जो होता है कार्स में, चाहे वो कोई भी कार हो, यहाँ पे आपको वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं। आप एक बार नीचे कीजिए या फिर ऊपर कीजिए, आपको जैसे जिस हिसाब से आपको यूज करना है आप उस हिसाब से अपना यूज कर सकते हैं। सो मेरा ये बनाने का मतलब यही है वीडियो कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ होते हैं और कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे होता है ना, नए लोग होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये वाइपर है या फिर क्या है या फिर इधर हेडलैम्प का स्विच है या फिर क्या है। तो बस ऑल कंट्रोल्स कहने का मतलब यही है कि कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको गियर है, साथ ही यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए दो दिए हुए हैं, एक आपको इस साइड कैप्टन सीट जो है और एक ड्राइवर कैप्टन सीट जो है। सो इस दोनों में है आपको यहाँ पे, जैसे दिखा दूँ, ये सीट को आगे पीछे करने के लिए जो एक लीवर है इसको ऐसे करके आप आगे और पीछे कर सकते हैं। साथ ही आपको सीट को डाउन करने के लिए, इंक्लाइन और डिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसको जस्ट इसे पुल करना है और नीचे करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर चाहते हैं तो मैं स्पेशली अलग से एक वीडियो बना दूंगा। साथ ही यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो है इसको खोलने के लिए वगैरह है। और एक चीज़ बता दूँ जो कि और जानना जरूरी है, नीचे में आपको यहाँ पे आपको क्लच पैडल है, यहाँ पे आपको ब्रेक और वहाँ पे एक्सीलेटर। साथ ही साथ होता है ना कई बार कि बूट वगैरह भी खोलना होता है तो बहुत लोगों को उसमें भी दिक्कत आती है। सो उसमें भी देखते हैं कैसे बूट वगैरह खोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल बना हुआ है पीछे जो डिक्की खोलते हैं बूट उसका, ये है, इसको अप करना है, यहाँ पे फ्यूल वाला है। तो जरूरी नहीं कि हर आपको
कार्स वगैरह में आपको नीचे ही मिले, हो सकता है किसी में आपको यहाँ पे भी मिल जाए, यहाँ ऊपर में भी मिल जाए। सो डिपेंड करता है, बट आप एक बार जान लेंगे ना सिम्बॉल्स वगैरह कैसे यूज करते हैं, इसका सिम्बॉल्स जो भी है सिंबल वगैरह उसको अगर आप जान जाएंगे साइन कैसा है तो आप यूज कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको यहाँ पे दी गई है बोनेट खोलने के लिए। सो ये बोनेट आगे का जो होता है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी किसी में यहाँ पे ऐसे खींचने के लिए नहीं होता, हो सकता है उसका एक सिंबल बनाओ, एक साइन बनाओ बोनेट जैसा, और यहाँ पे आपको मिल जाए खाली स्थान पे। लेकिन जो बेसिक चीजें होती है मतलब कुछ ऐसे ही होती है जिसको आपको देखना है। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल्स दिए हुए रहते हैं, इसको तो आप जान ही सकते हैं। सो मेन यही चीजें हैं जो एक ड्राइवर को ये सब चीजें मतलब पता होना चाहिए कि एक कार में जनरली जो कंट्रोल्स है कैसे कहाँ होते हैं। ये आपको स्टीयरिंग है तो हैंडल है, सब तो चीज आपको पता ही होगा। यहाँ पे टच स्क्रीन है, तो किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। सो बेसिक चीज यही है, इंडिकेटर कहाँ होता है, हेडलाइट किधर है जलती है, वाइपर कैसे चलती है मतलब किधर होती है, कैसे चलाना है, क्या करना है, वो तो अब एक ही वीडियो में नहीं बन पाएगा ना, प्रॉपर एक अलग अलग वीडियो बनाना होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एसी कैसे यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ कंट्रोल्स बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ों की कंट्रोल्स कहाँ पे होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक लॉक का स्विच है जो इसको ये हर में नहीं होती है, चाइल्ड लॉक है ये आपको अब ज़्यादातर तो आजकल सभी कारों में मिल जा रहा है, बट ये सब में है नहीं, ये तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट आजकल ये सब में मिल जाता है जिससे आपको फोर डोर्स जो भी होते हैं वो सब लॉक हो जाते हैं। सो यही है, और कुछ तो मुझे खास लगा नहीं जो बताना चाहिए, क्योंकि बोनेट कैसे खोलते हैं ये पता होना चाहिए, बूट कैसे खोलते हैं पता होना चाहिए, फ्यूल टैंक कैसे खोलते हैं वो पता होना चाहिए। सब चीज़ तो मैं बता ही दिया, कहाँ कहाँ कैसा सिंबल होता है, कहाँ पे दिया जाता है, सीट को कैसे आगे पीछे करते हैं सब बता दिए। लेकिन इसका भी अगर आप प्रॉपर वीडियो चाहते हैं एक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है एक इंडिकेशन भी बता ही देता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं कंट्रोल्स, आपको एयर बैग, इंजन माल फंक्शन, हैंड ब्रेक का भी देख रहे हैं ऊपर इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, इधर आपको फ्यूल का है। सो यही सब चीज़ है। सो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज मैं बनाऊँ किस चीज़ के बारे में बनाऊँ तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती हो, मेरी मेहनत पसंद आती हो, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो सो खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।